ओके तो आरएस अग्रवाल मैथमेटिक्स का क्लास एट्थ का सॉल्यूशन है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन चैप्टर का एक्सरसाइज है 8B उसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। यहाँ पर कैसे हम करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें पहले इसका लैंग्वेज समझना पड़ेगा। यदि हम भाषा समझ गए कि इसका मतलब क्या है इंग्लिश लैंग्वेज मैथमेटिकल लैंग्वेज इसका इस वर्ड का मैंने इंग्लिश भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज में हम किस तरीके से मैथमेटिकली लिखते हैं यदि हम ये समझ गए ना समझिए कि बस हम सॉल्व कर लेंगे। ओके 2/3 ऑफ ए नंबर ऑफ मीन्स होता है व्हाट मल्टीप्लीकेशन 2/3 ऑफ ए नंबर मतलब 2/3 इंटू यहाँ पर कुछ मान लेंगे एक्स इज मतलब क्या होता है बराबर इज मतलब यहाँ पे क्या है बराबर कितना है 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर यहाँ पर जो है 20 लेस देन ओरिजिनल नंबर ये जो है एक फ्रेज की तरह मानिए। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं ओरिजिनल नंबर हमने माना एक्स एक्स में से घटा देंगे यदि हम 20 तो हो जाएगा 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर में से क्या करना है 20 को लेस करना है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना होगा क्योंकि देखिए हमें दे रहा है कि पहले तो आपको पूछा है कि फाइंड द नंबर तो पहले मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स लेट द नंबर बी एक्स हमने यदि नंबर एक्स मान लिया तो अब यहां से बनाना है तो 2/3 ऑफ ए नंबर तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या कर सकते हैं 2/3 ऑफ ए नंबर कह रहा है कि 2/3 ऑफ ए नंबर मैंने कि ऑफ ए नंबर नंबर को मान लिया हमने क्या एक्स इज मतलब बराबर है कितना है 20 के बराबर नहीं है केवल कह रहा है कि 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर मैंने ओरिजिनल नंबर से 20 लेस के बराबर है। तो ओरिजिनल नंबर क्या माने हैं एक्स उसमें से क्या करना है लेस देन करना है 20 यह आपको समझना पड़ेगा कि 20 लेस देन ओरिजिनल नंबर मतलब क्या होता है 20 माइनस एक्स नहीं होता ये गलत हो जाएगा इसको हम लिखते हैं 20 माइनस एक्स मतलब क्या 20 लेस देन यहाँ पर बोलेंगे कि एक्स लेस देन 20 और जब ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस 20 तो इसको बोलते हैं कि 20 लेस देन एक्स मैंने एक्स में से 20 को क्या किया गया घटाया गया है। तो इस तरह समझते हैं तब आप सही से बना पाएंगे। यदि इसको थोड़ा सा भी उल्टा कर दिए तो आपका सोल्यूशन सही नहीं आएगा और आंसर आपका सही नहीं आएगा। फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको कि हमारे यहाँ बन गया है जो 2/3 ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई अब मल्टीप्लाई इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 20 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x/3 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 20 फिर यहाँ सॉल्व करेंगे एक्स को ला देंगे लेफ्ट हैंड साइड में या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं क्यों ना हम आसानी से करें इसको। ओके तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इतना पर मान लेंगे पूरे में और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3x माइनस यहाँ हो जाएगा 3×2=60। ओके यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर देंगे इधर ला करके तो वेरिएबल्स एक तरफ तो 2x-3x इक्वल टू -60। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -x इक्वल टू -60। अब ये कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या 60। यहाँ पर हमें मिल गया x बराबर व्हाट 60 तो वही जो हमें नंबर मिला वही मिल गया हमें यहाँ पे आंसर यहाँ लिख सकते हैं आंसर में कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 60। कैसे वेरीफाई करेंगे वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2/3 ऑफ ए नंबर इसका 2/3 निकाले चलिए निकालते हैं 2/3 ऑफ नंबर 60 का 2/3 निकाल लिए कितना आया कटा दीजिए यहाँ पे 3×20=40 आया वो बराबर है इज इक्वल टू किस 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल में से 20 लेस तो 60 ओरिजिनल नंबर है इसमें से 20 घटा दिए इतना घटा दिए कितना आया 40 आया देखिए दोनों बराबर है इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है।